दोस्तों आज थोड़ा शॉर्ट की के बारे में बात करेंगे। कीबोर्ड में ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोग अगर कंप्यूटर में काम करते हैं तो कंप्यूटर का बेसिक अगर जानकारी ले लोगे तो आपको कंप्यूटर का आगे जानकारी लेना आसान हो जाएगा। तो इसमें एक महत्वपूर्ण चीज़ है कीबोर्ड का हॉट की। ये जो शॉर्ट की जो है इसमें सबसे पहले है कंट्रोल प्लस ओ, कंट्रोल प्लस ओ, कंट्रोल और प्लस ओ अगर दबाएंगे तो क्या होता है, ओपन होता है। न्यू टैब को ओपन करने के लिए कंट्रोल ओ दबाना होता है। तो कंट्रोल ओ में क्या होता है, अगर किसी काम ओपन कर रहे हो तो उसमें कंट्रोल ओ को ओपन किया जाता है। कंट्रोल ओ दबाएंगे तो ओपन होगा। जैसे अगर ये माइक्रोसॉफ्ट है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, तो इसमें अगर कंट्रोल ओ दबाएंगे तो क्या होगा, अब डायरेक्ट डॉक्यूमेंट्स को ओपन करने के लिए आपको ऑप्शन देगा। ठीक है, कंट्रोल ओ का काम क्या है। इसके बाद आ गया, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि ये जो बैक पीस और ये डिलीट, ये दोनों का काम क्या है। तो ये जो बैक पेस है, बैक पेस का काम है किसी चीज को रिमूव करने के लिए, अगर लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट्स को रिमूव करने के लिए काम पे आता है। और डिलीट का बटन बटन वो डिलीट ऑलरेडी टोटल चीज को डिलीट करने के लिए काम पे आता है। जैसे मैं एक चीज को यहाँ पे मैं कुछ वर्ड लिखा, तो इस वर्ड में देखिए मैं अगर बैक स्पेस दबाऊंगा तो एक एक करके बैक होता जाएगा। ठीक है, ये टोटली बैक होता जाएगा। लेकिन अगर डिलीट मारोगे तो यहाँ पे डिलीट ऑप्शन काम नहीं करेगा। लेकिन अगर सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे अगर तीन चार सिलेक्ट करेंगे उसके बाद डिलीट मारेंगे तो ये डिलीट होगा। अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे, बैक स्पेस दबाएंगे तो ये बैक होगा। लेकिन अगर डिलीट मारेंगे तो राइट से डिलीट होता जाएगा। एक तो अब डायरेक्ट सिलेक्ट मार के टोटल डिलीट मार सकते हैं, या तो फिर आप क्लिक करेंगे तो बैक स्पेस मारेंगे तो बैक में लिखा हुआ चीज बैक में जाएगा, और डिलीट मारेंगे तो राइट से डिलीट होता जाएगा एक एक पीस। और आप सिलेक्ट करके भी डिलीट मार सकते हो। तो ये दोनों का ऑप्शन समझ में आया कि बैक पेस का जो काम है वो ऑलरेडी एक एक करके बैक हो जाएगा, लिखा हुआ चीज बैक होगा, और डिलीट मारेंगे तो टोटली आपका यहाँ पे डिलीट काम नहीं करेगा। आपको डिलीट मारना है तो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, या तो फिर कहाँ से कहाँ तक डिलीट मारेंगे, तो इस यहाँ पे लेके अगर डिलीट मारेंगे तो आप राइट से लिटल लेफ्ट डिलीट होता जाएगा, बैक स्पेस मारेंगे तो आप बैक होता जाएगा। ठीक है, चलिए फिर आता हूँ। सब लोग बोलते हैं कि दादा जो हॉटकी है, हॉटकी में कंप्यूटर को बंद कैसे किया जाए। इसका भी हॉटकी होता है। इसका हॉटकी क्या है, ऑल्टर और F4। ये ऑल्ट और F4 दबाएंगे तो आपको सबसे पहले प्रोग्राम बंद होगा, उसके बाद आपका कंप्यूटर बंद होने का ऑप्शन देगा। आप अगर एंटर मारेंगे या तो फिर ओके मारेंगे तो आपका कंप्यूटर बंद हो जाएगा। तो क्या करना है, ऑल्टर, ऑल्ट और F4 दबाएंगे तो कंप्यूटर बंद होने का शॉर्टकट की है ये। और प्रोग्राम को भी, किसी प्रोग्राम को भी झट से बंद करने के लिए आपको ये प्रो की आप यूज कर सकते हो, कंट्रोलर, ऑल्टर और F4। इसके बाद आ गया विंडोज और डी। विंडोज और डी का काम क्या है, विंडोज और डी जिस प्रोग्राम को चालू रखेंगे उसको मिनिमाइज करने के लिए आपको विंडोज डी काम पे आएगा। जैसे मैं इस कीबोर्ड का पेज को चालू रखा तो इसको मिनिमाइज करने के लिए मैं क्या करूंगा, विंडोज का जो की है, ये जो विंडोज का की है इसको और डी या दबाएंगे तो आपको क्या होगा, डायरेक्ट मिनिमाइज हो जाएगा। जैसे मैं इस प्रोग्राम को चालू किया, इस प्रोग्राम को मिनिमाइज करने के लिए विंडोज और डी, तो आप ये प्रोग्राम चालू हो जाएगा। तो अब फिर उस प्रोग्राम को ओपन करने के लिए विंडोज और डी, जिस प्रोग्राम को आप यूज करेंगे उसको डायरेक्ट विंडोज और डी दबाएंगे तो चालू और मिनिमाइज और ओपन, कंट्रोल और एस दबाएंगे तो सेव होगा, कंट्रोल प्लस एस अगर दबाएंगे तो सेव होता है। उसके बाद F12 अगर दबाएंगे तो वो भी सेव होगा। कैसे, जैसे कंट्रोल एस, यहाँ पे सेव का ऑप्शन होता है, ये भी सेव है। कंट्रोल एस दबाएंगे तो यहाँ पे देखिए, अगर कंट्रोल एस दबाएंगे तो सेव होगा, अगर यहाँ पे F12 दबाएंगे तो ये भी आपको सेव का ऑप्शन दे रहा है, सेव एस का ऑप्शन दे रहा है। ओके, तो
तो सेव अगर शॉर्ट की यूज करने का तो कंट्रोल एस दबाइए या तो फिर F12 दबा के आप ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इसमें लैपटॉप में अगर यूज करेंगे तो आपको FN करके फंक्शन की रहता है कीबोर्ड में लैपटॉप में, तो FN का यूज करके FN प्लस F12 आपको दबाना पड़ेगा अगर लैपटॉप में यूज कर रहे हो। तो कंट्रोल एन दबाएंगे तो क्या होगा, एक नया पेज ओपन हो गया। देखिए दो पेज हो गया, पहला पेज और यहाँ पे दूसरा पेज। ओके तो कंट्रोल एन ए से नया पेज ओपन होता है, जब एक दो पेज है। अगर फिर से मैं इसको कंट्रोल ए और एन दबाऊंगा तो क्या होगा, फिर नया पेज हो गया। मैं मेरे पास यहाँ पे तीन पेज आ गया, तो यहाँ पे दो पेज और भी आ गए, पहला दो तीन, तो तीनों पेज आ गए। तो अगर कंट्रोल एन दबाएंगे तो क्या होगा, एक नया पेज ओपन होता है। दोस्तों अब लोग अगर गूगल में न्यू टैब ओपन करना चाहते हो, जैसा हम लोग ऐसे क्लिक करके न्यू टैब ओपन करना करते हैं, तो न्यू टैब अगर कीबोर्ड में शॉर्ट की यूज करना चाहते हो तो आपको कंट्रोल और टी यूज करना पड़ेगा। तो कंट्रोल टी में आपको एक न्यू टैब ओपन कर सकते हो, आप चाहो तो कंट्रोल टी दबा के और एक न्यू टैब आप ओपन कर सकते हो। ठीक है, एक कंट्रोल टी कहाँ पे मिलेगा, कंट्रोल और टी कीबोर्ड में हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल और टी। तो ये कंट्रोल टी आप यूज करेंगे तो आप गूगल में आप यूज कर सकते हो, गूगल में न्यू टैब ओपन करने के लिए आप इसका शॉर्ट की का इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद अगर कंट्रोल और एच, कंट्रोल और एच, कंट्रोल एच में आपको क्या मिलेगा, हिस्ट्री मिलेगा। जैसे हम लोग हिस्ट्री यहाँ से ओपन करते हैं, यहाँ पे क्लिक करके हम लोग डायरेक्ट हिस्ट्री में ओपन करते हैं, तो यहाँ पे ऐसा ऐसे यूज ना करके आप कंट्रोल और एच दबाएंगे तो आप डायरेक्ट हिस्ट्री में आ जाएंगे। ठीक है, कीबोर्ड में आपको कंट्रोल और एच दबाना पड़ेगा, कंट्रोल प्लस एच। ओके फिर एक काम कर सकते हो, इसको अगर टोटली डेटा को डिलीट करना चाहते हो गूगल से तो आपको क्या क्लिक करना पड़ेगा, कंट्रोल शिफ्ट और डिलीट, तो जाएंगे तो टोटली आपका पेज में आएगा। यहाँ पे आपको क्लियर ब्राउजर कर सकते हो, कंट्रोल तो आपको क्या दबाना पड़ेगा, कंट्रोल शिफ्ट और डिलीट, ये कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डिलीट अगर दबाएंगे तो आपको इस पेज में आएगा। आप डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका डेटा टोटली डिलीट हो जाएगा, जैसे टोटली इसका डेटा डिलीट हो गया। ठीक है, दोस्तों इनकॉग्निटो मोड क्या होता है, तो इनकॉग्निटो मोड होता है कि आप अगर प्राइवेट सर्च करना चाहते हो जिसका हिस्ट्री आप रखना नहीं चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, इनकॉग्निटो मोड में ओपन करना पड़ेगा। तो इनकॉग्निटो मोड में ओपन करने के लिए आपको क्या क्या दबाना पड़ेगा, कंप्यूटर में कंट्रोल शिफ्ट, इसका शॉर्ट की बोल रहा हूँ, कंट्रोल शिफ्ट और एन एन, कंट्रोल शिफ्ट और एन दबाएंगे तो ये वाला पेज ओपन होगा। इसको इनकॉग्निटो मोड बोला जाता है, ये देखिए इनकॉग्निटो मोड। तो इसमें ऑलरेडी लिखा है कि इसका हिस्ट्री नहीं रहेगा, ब्राउजिंग करोगे कोई किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप अगर ब्राउजिंग कर रहे हो तो आपका आईपी एड्रेस सर्च हो तो ऑलरेडी रिकॉर्ड होता है, और आप कौन सा चीज़ डेटा दे रहे हो कौन सा चीज़ डेटा ले रहे हो सकता है वो उसके ऊपर ध्यान नहीं जाएगा, लेकिन आप कौन सा क्या चीज़ ब्राउजिंग कर रहे हो और क्या चीज़ ब्राउजिंग से कौन सा एड्रेस में जा रहे हो तो आपको वो चीज़ ऑलरेडी उनके हाथ में है, उसका डेटा रहता है। दोस्तों आप अगर डाउनलोड के पेज ओपन करना चाहते हो तो आप कंट्रोल और जे यूज़ कर सकते हो, कंट्रोल और जे, कंट्रोल जे से आप डाउनलोड का पेज ओपन होगा। जैसे यहाँ पे हम लोग क्लिक करके डाउनलोड का पेज ओपन करते हैं तो ऐसा पेज आप ओपन कर सकते हो, कंट्रोल और जे दबाएंगे तो आपका डाउनलोड का पेज आपका ओपन हो जाएगा। ठीक है, दोस्तों और एक शॉर्टकी के बारे में बता रहा हूँ, कंट्रोल और डी। कंट्रोल डी में क्या होता है, बुकमार्क ओपन होता है। बुकमार्क क्या चीज़ है, बुकमार्क है कि आप अगर किसी पेज को ओपन कर रहे हो, किसी पेज को ओपन कर रहे हो
और यहाँ पे जैसे सर्च करो न्यूज़, मैंने न्यूज़ इंडिया सर्च किया तो यहाँ पे इतना सारा चीज़ है। तो मैं यहाँ पे अगर एक चीज़ मैं क्लिक कर रहा हूँ, करने के बाद अगर यहाँ पे मैं सेव करूँगा, यहाँ पे मैं सेव करूँगा, बुक मार्क ऐड बोला जा रहा है। तो मैं इस पेज को अगर यहाँ पे इस पेज को मैं सेव करके रख, पेज को कैसे सेव किया जाए वो भी एक बार देख लीजिए कि यहाँ पे नाम दे दीजिए कि न्यूज़ बोल के लिख देता हूँ मैं न्यूज़। इस जो फोल्डर दिख रहे हो यहाँ पे फोल्डर दिया गया सब, तो यहाँ पे फोल्डर चूज अनदर फोल्डर भी कर सकते हो, चूज फोल्डर बुक मार्क बार और अदर बुक मार्क। तो मैं न्यू फोल्डर में यहाँ पे चूज कर रहा हूँ, चूज करने के बाद मैं यहाँ पे डन कर रहा हूँ। तो क्या हुआ, ये पेज ऑलरेडी सेव हो गया। कैसे सेव हुआ, कहाँ पे दिखोगे, अगर यहाँ पे जाके आप अगर बुक मार्क पे जाएंगे तो आपको देखिए बुक मार्क मैनेजर में जाएंगे तो आपको यहाँ पे न्यू फोल्डर आएगा। न्यू फोल्डर में देखिए न्यूज, यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो आपको ऑलरेडी ये वाला न्यूज वाला पेज आ गया है। तो ऐसे आप सेव करके रख सकते हो। आप अगर ज्यादा से ज्यादा शॉर्ट में काम करना चाहते हो, ज्यादा से ज्यादा पेज को आप या तो नहीं रख सकते हो ना, तो ये सेव करके आप काम कर सकते हो। तो इसमें आपको कौन क्या यूज करना पड़ेगा, कंट्रोल और डी। कंट्रोल डी में क्या होगा, आपको इस पेज का यहाँ पे दिखाया जाएगा। जैसे आपको नया पेज होगा तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, इस पेज को अगर क्लिक करेंगे तो कंट्रोल डी, तो यहाँ पे क्या हो गया, एक न्यूज इंडिया का एक पेज आ गया। तो यहाँ पे आप इस पेज को भी आप सेव करके रख सकते हो। तो ऐसा बुकमार्क का यही काम है। ठीक है दोस्तों, कभी कभी हम लोग नया टैब ओपन करते और ज़्यादा हो गया तो हम लोग यहाँ से कैंसिल कर देते, लेकिन अगर ऐसा सिचुएशन आता है कि लास्ट टाइम हम लोग किस टैब को ओपन किया था, अगर वही करना चाहते हैं, जैसे मैंने इसको ओपन किया फिर इसको मैं कैंसिल कर दिया, तो ये पेज को मैं फिर ओपन करना चाहता हूँ, तो कैसे ओपन करूँगा, आपको कीबोर्ड में क्या क्या यूज़ करना पड़ेगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी अगर दबाएंगे तो आपको पहला वाला पेज ओपन हो जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट टी। तो क्या आ गया है, पहला वाला जो पेज था वो ओपन हो गया। ओके तो ये शॉर्टकट, आप शॉर्टकट की आप यूज़ कर सकते हो, आप कीबोर्ड में देख के आप यूज़ कीजिए। ओके दोस्तों, कंप्यूटर हैंग हो रहा है, इस सिचुएशन में एक शॉर्टकट तो जाना जरूरी है कि कंप्यूटर हैंग हो रहा है उस टाइम पे प्रोग्राम को कैसे बंद किया जाए। ठीक है, तो आप अगर कीबोर्ड में कंट्रोल ऑल्टर और डेल प्रेस करेंगे तो क्या होगा, आपका प्रोग्राम बंद हो जाएगा, प्रोग्राम बंद हो जाएगा, प्रोग्राम बंद होने का चांस आपको देगा, ऑप्शन देगा, तो आप उसी से प्रोग्राम को बंद कर सकते हो। कंप्यूटर हैंग हो रहा है मतलब हैंग होके पड़ा है कि बहुत टाइम से, आपको प्रोग्राम को बंद करना चाहते हो तो आपको कंट्रोल ऑल्टर डेल, आप कंट्रोल प्लस ऑल्टर प्लस डेल अगर दबाएंगे तो आपको कंप्यूटर में प्रोग्राम बंद करने का ऑप्शन देगा। ये भी आप यूज़ करके देख सकते हो कंप्यूटर अगर हैंग हो गया तो। दोस्तों और एक हॉटकी, आप लोग ऑलरेडी हॉटकी जानते हो, कंट्रोल जेड कंट्रोल वाई, कंट्रोल जेड और कंट्रोल वाई। ठीक है, तो ये कंट्रोल जेड कंट्रोल वाई का काम क्या है, कंट्रोल जेड और कंट्रोल वाई का काम क्या है, आप अगर किसी भी चीज़ को काम करते करते अगर गलत कर लिया तो उसमें क्या होगा, कंट्रोल जेड मार के हम लोग वापस आते हैं, और अगर आगे जाना चाहते हैं, काम हो गया फिर आगे जाना चाहते हैं तो आपको कंट्रोल वाई यूज़ करना पड़ेगा। कैसे, जैसे यहाँ पे एक फोल्डर है, इसको मैं यहाँ पे गलती से डिलीट मार दिया, इसको मैं डिलीट मार दिया, तो मैं क्या करूँगा, अभी यहाँ पे कीबोर्ड में अगर कंट्रोल जेड यूज़ करूँगा, कंट्रोल जेड यूज़ करूँगा तो ये वापस आ जाएगा। कैसे, ये देखिए कंट्रोल जेड मैं यूज़ किया तो यहाँ पे मेरा वो फोल्डर यहाँ पे आ गया, यहाँ पे था यहाँ पे आ गया, कंट्रोल जेड से यहाँ पे आ गया। फिर मैं कंट्रोल वाई यूज़ करूँगा तो क्या होगा, या अभी फिर मेरे को ऑप्शन दे रहेगा, मैं ये यूज़ करूँगा तो मैं फिर ये डिलीट हो जाएगा आपका। दोस्तों तो पता चला, फिर और एक हम लोग और एक काम ये देखेंगे कि ये वाला शॉर्ट की शिफ्ट दबा के इस एरो का काम क्या है, शिफ्ट के साथ अगर इस एरो को दबाएंगे तो क्या क्या काम पे आएगा। अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद शिफ्ट दबा के आप अगर इस एरो को क्लिक करेंगे तो आपको क्या होगा,
देखिए एक के बाद एक सिलेक्ट होता जा रहा है। राइट, मैं राइट वाला की दबा रहा हूँ, अगर मैं नीचे वाला की दबाऊंगा तो टोटली दूसरा पेज में आ गया, नीचे वाला की दबाऊंगा तो तू तीसरा पेज में आ गया। अगर राइट में क्लिक करूंगा तो ये राइट में एक एक के बाद एक सिलेक्ट होता जाएगा। अगर मैं बैक पेज दबाऊंगा तो एक के बाद एक बैक, ऑलरेडी मैं शिफ्ट दबा के कर रहा हूँ। अगर आप पेज दबाऊंगा तो आप एरो दबाऊंगा तो ऊपर वाला ऊपर में जाएगा। तो ये चीज़ आपको ऑलरेडी हेल्पफुल होगा आप अगर कीबोर्ड यूज़ करते हो तो। शिफ्ट दबा के आप इस एरो को इस्तेमाल कर सकते हो। और दोस्तों इसको अगर एक बार में आप अगर सिलेक्ट करना चाहते हो टोटली, तो कंट्रोल ए, तो कंट्रोल ए का मतलब है ऑल सिलेक्ट होता है। तो टोटल सिलेक्ट करने के लिए, ऑल सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल ए दबाना पड़ेगा, कंट्रोल ए। आप अगर यहाँ पे कंट्रोल और ए दबाएंगे तो आपको सिलेक्ट हो जाएगा, ऑल सिलेक्ट हो जाएगा। तो कंट्रोल एन दबा के मैंने न्यू पेज बना लिया, कंट्रोल एन, तो ये न्यू पेज बना लिया। तो यहाँ से अगर मैं कॉपी करना चाहता हूँ तो कॉपी पेस्ट भी देख लेते हैं कि कॉपी पेस्ट का काम क्या है। अगर यहाँ पे कंट्रोल सी और कंट्रोल वी दोनों का काम है, तो कंट्रोल सी में हम लोग देखेंगे कंट्रोल सी में क्या होता है। तो कंट्रोल सी में मैं यहाँ पे इतना सब सिलेक्ट किया और कंट्रोल सी दबाया। कंट्रोल सी दबा के मैं यहाँ पे न्यू पेज में जाके मैं यहाँ पे कंट्रोल वी पेस्ट करूँगा, कंट्रोल वी। तो यहाँ पे वहाँ से कॉपी होके यहाँ पे पेस्ट हो गया। ये भी चीज़ आपको शॉर्टकट में इस्तेमाल होगा, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी आप यूज़ कर सकते हो इसमें, ठीक है। चलिए इस वीडियो को मैं ख़त्म करता हूँ। दोस्तों इस वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दूसरे को शेयर कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। जय हिंद।